तो दोस्तों गिरी टुडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम मेजर ऑफ डिस जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने ट्वेल्थ के भी मैं टॉपिक कवर कराते जा रहा हूँ और इलेवेंथ के भी कुछ टॉपिक्स कवर कराते जा रहा हूँ कि जहां पे आप आराम से बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो और साथ में मैं 2023 के पीवाई भी साथ में सॉल्व कराते जा रहा हूँ और साथ में टू थाउजेंड ट्वेंटी भी इसमें मैं सॉल्व करा रहा हूँ और कम से कम टाइम में मैं आपको बहुत ही पावरफुल लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आप ये मेरा पूरा का पूरा लेक्चर देखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है पूरे के पूरे फॉर्मेस भी कवर हो जाते हैं साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मैंट ट्रिक भी मैं देता हूं जिससे सम्स बहुत ही जल्दी आपके सॉल्व होते हैं तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन स्टार्ट करते हैं पर आपको सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे हमारा एमस्ट्री सी का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बहुत ही अच्छे से सभी चीजें वहां पे आ रही है अगर आपने नहीं देखा है तो भाई जाके देखो और साथ में गिरी टूडल के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी चीजें कर रहे हैं भाई हंड्रेड फ्री है कोई चार्जेस नहीं है हंड्रेड पूरा का पूरा फ्री है इसका साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा नोट्स आपको सर कहाँ पे मिलेगा नोट्स आपको प्रदीप एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाओ और आराम से ये पूरा का पूरा आपको नोट्स वहां पे मिल जाएगा तो अब देखो इससे ज्यादा और आपके लिए क्या कर सकता हूँ चलते हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखो ये एक ऐसा लेसन है ये एक्चुअली एम एस का इलेवेंथ का लेसन है जिसके अंदर हमें कुछ फॉर्मुलेस पता होने चाहिए और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे के पूरे फॉर्मुलेज मैं आपसे याद कराऊंगा अब जैसा ये सबसे पहला रेंज की बात आती है दोस्तों रेंज में जो हमें क्वेश्चन आता है तो देखो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ये इसका फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए सर इसमें और यहाँ पे एट है तो अगर आपको समझो यहाँ पे रेंज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है दोस्तों ट्वेल्व स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइव दिख रहा है तो आंसर कितना आएगा दोस्तों सेवन तो इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो बट अगर सपोज ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया देखो मैं आपको हर पॉसिबिलिटी समझा रहा हूं कि जहां पे आपसे कोई गड़बड़ ना हो यहाँ पे एफ है अगर समझो यहाँ पे दोस्तों वन है यहाँ पे यहां पे समझो दोस्तों थ्री लिखा हुआ है यहाँ पे टू है यहाँ पे लिखा है दोस्तों फाइव यहाँ पे थ्री है यहाँ पे लिखा हुआ है टू और यहाँ पे दोस्तों अगर समझो यहाँ पे फोर लिखा हुआ है और यहां पे समझो लिखा हुआ है दोस्तों एट तो अगर सपोज मुझे अगर रेंज निकालना है तो मैं रेंज किस तरह से निकालूंगा बहुत सारे लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं बट रेंज कहा से आएगा दोस्तों हमेशा याद रखना एक्स वाले से आएगा यहां से मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों फोर है फिर यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू वन है तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तो आपका आंसर यहाँ पे थ्री आएगा एक और तरीका है रेंज में एक और तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों देखो इस तरह से रहेगा और यहाँ पे ये लोग आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे साथ में यहाँ पे कुछ इंटरवल्स होंगे अब देखो मैं यहाँ पे ज्यादा इंटरवल्स नहीं ले रहा हूँ बट आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे टू टू है है पे और यहाँ थर्टी टू फोर्टी है यहाँ पे सिक्स है यहाँ नाइन है यहाँ पे ट्वेल्व है, है, है अब बोलेंगे रेंज निकालो तो भाई इस केस में भी रेंज आपका ऊपर वाले वैल्यू से आएगा तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू फोर्टी है मिनिमम वैल्यू टेन है तो फोर्टी माइनस टेन आंसर कितना आएगा दोस्तों थर्टी तो भाई ये पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में हमने बिठा दिया अब नेक्स्ट पार्ट की बात आती है दोस्तों वेरिएंस वेरिएंस में अगर आप अपने बुक्स में जाके देखोगे तो इतने सारे फॉर्मुले से समझ में नहीं आता कि सर ये फॉर्मुले कहाँ से आते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्मुला अप्लाई करना है तो दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बस वेरियंस को हम डिनोट किससे करते हैं तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीग्मा स्क्वायर से स्टैंडर्ड एवियशन को डिनोट किससे करते हैं दोस्तों सिगमा से तो ये दो चीज तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए वेरियंस का अगर हम आंसर निकालने जाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन और माइनस यहाँ पे एक्स बार का होल स्क्वायर अब दोस्तों देखो यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है बट ये फॉर्मूला कब यूज करोगे जब आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा जैसे कि अगर समझो ऐसा कोई डेटा आया तो ये फॉर्मुले से आप सम सॉल्व कर लोगे बट अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो आपका ये फॉर्मूला नहीं चल पाएगा दोस्तों उस केस में आपको क्या फार्मूला यूज करना है समीशन ऑफ यहाँ पे एफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एन और माइनस यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर ये देखो ये एन मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है समीशन ऑफ एफ ये चीज का ध्यान रखना तो देखो यहाँ पे बस ये वाले फॉर्मूले का बहुत जगह यूज होगा इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये फॉर्मूला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए यही फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए साथ में यहाँ पे सर ये जो एक्स बार है तो देखो भाई एक्स बार का ऑलरेडी इसका जो फॉर्मूला है समीशन ऑफ डायरेक्ट यहाँ पे क्या दोस्तों एक्स अपॉन यहाँ पे एन या तो आप कैपिटल एन भी ले सकते हो यहाँ से आप निकाल लो पर अगर समझो इस तरह का है मोस्टली यही वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आया तो इस तरह के फॉर्मुले में आप किस तरह से निकाल सकते हो तो यहाँ पे क्या दोस्तों एक्स बार विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ एफ साथ में आ जाएगा और अपॉन समीशन ऑफ एफ समीशन ऑफ एफ मतलब ही होता है तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से मैं आपके दिमाग पे बिठा दिया अब दोस्तों कभी भी अगर आपको स्टैंडर्ड एविशन पूछा है यही सेम फॉर्मूला यही सेम फॉर्मूला आप रूट के फॉर्म में लिख दो सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पे सिग्मा लिख रहा हूँ तो ये जो सेम यहाँ पे देखो लिखा है ना सिग्मा समीशन ऑफ एक्सर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर सेम दिखाई दे रहा है सभी को यहाँ पे सेम टू सेम दोस्तों ये देखो ये वाला ही फॉर्मूला आप लिख सकते हो इसे भी आप रूट के फॉर्म में लिख सकते हो तो यहाँ पे क्या आएगा समिशन ऑफ यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन माइनस यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर तो देखो भाई सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो और बहुत ये पूरा का पूरा, पूरा पार्ट मैं बोल रहा हूँ ना आपको सब नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है तो एक तो वाहवाही होनी चाहिए यार नीचे कमेंट चलना चाहिए और कमेंट सेक्शन में पूरी बरसात हो जानी चाहिए दोस्तों देखो CV, जिसको हम बोलते हैं ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए तो देखो इसका इसको इन शॉर्ट हम सी भी लिखते हैं स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन मीन इन टू हंड्रेड इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अगर समझो जिसका सी भी कम है लेस देन है तो वो मोर कंसिस्टेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए तो कंसिस्टेंट ज्यादा होता है अगर सीवी कम है तो कंसिस्टेंट ज्यादा है अगर सीवी ज्यादा है तो कंसिस्टेंट कम है तो ये बेसिक नॉलेज एक होना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जहाँ पे आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है देखो दोस्तों एन वन एन टू याद है एन वन के साथ एक्स वन बार और एन टू के साथ एक्स टू बार मतलब आपको यहाँ पे दो मीन अगर दिया है तो अगर आपको यहाँ पे उसका कंबाइन मीन निकालना है तो आप देखो ये पहले वाले मीन को एक्स वन बार दूसरे को एक्स टू और ऑब्जर्वेशन जो भी दिया होगा तो यहां पे एन वन और दूसरे वाले पे एन टू अब दोस्तों यहाँ पे जो आप यहां पे निकालोगे डी वन निकालोगे तो यहाँ पे क्या एक्स वन माइनस एक्स सी मतलब ये देखो ये और यहां पे क्या दोस्तों एक्स टू माइनस एक्स सी सिंपल सा फॉर्म अब यहाँ पे जो अगर आपको कंबाइन अगर समझो स्टैंडर्ड एविशन आपको निकालने के लिए आया तो देखो भाई इसका भी फॉर्मूला सेम है एन वन प्लस एन टू ये सेम है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है देखो ये सिग्मा यहां पे देखो मैं एन वन ले रहा हूं तो ये सिग्मा वन प्लस यहां पे मैं क्या लूंगा दोस्तों डी वन स्क्वायर फॉर्म में यहां पे क्या आएगा दोस्तों एन टू सिग्मा टू और d2 का स्क्वायर तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका आप यूज करके पूरा का पूरा सम क्या कर सकते हो दोस्तों सॉल्व कर सकते हो चलते हैं दोस्तों आगे के पार्ट की ओर अब दोस्तों यहाँ पे ये यह पार्ट देखो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे मैंटो स्ट्रिक दिखाई दे रहे मेरे स्टैंडर्ड इविशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग के एन नंबर है जैसे एन नेचुरल नंबर मतलब जो one से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों समझो अगर मुझे अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीशन निकालना है तो आप क्या इतना बड़ा प्रोसेस करोगे आप क्या करोगे पहले सभी का मीन निकालोगे फिर मीन निकालने के बाद बहुत सारा पूरा का पूरा फॉर्मूले में पुट करोगे तो इससे अच्छा अपने पास डायरेक्ट बाय डायरेक्ट एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीशन निकालने का दोस्तों एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व आप डायरेक्ट यहाँ पे एन की जगह पे वैल्यू रखो कितना नंबर से टेन है तो यहाँ पेगा मतलब वे तो वेरियंस हो गया तो ये चीज आपको पता होना चाहिए मेंटो स्ट्रीक है और भी मेंटो स्ट्रीक बहुत जोरदार तरीके से है फिर वो हम पहले मैं आपको बता दे रहा हूं फिर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कहीं पे भी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमेशा याद रखना दोस्तों इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है तो ये समझ सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैंट ऑफ आपको मिलने वाला है दोस्तों मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अगर सपोज कहीं पे भी अगर समझो इंक्रीज या डिक्रीज करके आया इंक्रीज या डिक्रीज करके आए इंक्रीज मतलब दोस्तों प्लस डिक्रीज मतलब माइनस तो अगर कहीं पे भी आया जैसे आपको मीन दिया है फिर बोल रहे कि वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एक अगर आपको समझो पहला एक मीन पता है समझो स्टार्टिंग का आपको मीन उन्होंने दिया है कि मीन जो है वो फाइ है फिर ये मीन फाय से इंक्रीज हो रहा है तो आपको प्लस फाय कर देना है डिक्रीज हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या कर देना है कम कर देना है पर जब यहां पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उस टाइम पे अगर समझो हमें बोला है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइव है और वो इंक्रीज हो रहा है फाइव से तो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होगा याद रखना यहां पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों के दोनों सेम होंगे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है पर यहां पे चेंजेस होगा ये यहाँ पे इंक्रीज यह हो जाएगा ये डिक्रीज हो जाएगा माइनस प्लस यहां पे होगा बट दोस्तों अगर सपोज कहीं पे मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा है मल्टी Multi, ऐसे मल्टीप्लाई लिख के आ रहा है या डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे चीजें हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो मीन है जितना भी मीन है अगर समझो आपका मल्टीप्लाई कर दो अगर समझो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिजन उन्होंने फाइ दिया तो उसको आप टू से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा बट अगर केस उन्होंने वेरिएंस जितना दिया है दोस्तों अगर समझो उन्होंने वेरिएंस दिया है समझो वहां पे उन्होंने हमें फिफ्टीन दिया है तो आप क्या करोगे लिखोगे बट यहाँ पे आप टू से मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे आप टू का स्क्वायर लोगे दोस्तों दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करोगे से तो फाइनली पे आंसर कितना आएगा लोग अगर इन केस यहाँ पे अगर समझो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर समझो हमें वेरियंस हमें दिया हुआ है थर्टी और हमें बोला है कि थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है तो थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको थर्टी को थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन थर्टी को नाइन से मल्टीप्लाई कर दो पर इंक्रीज और डिक्रीज आएगा तो उस टाइम पे हमारा ये दोनों सेम होंगे ये चीज ध्यान रखना है. यहाँ पे चेंज होगा यहाँ पे चेंज होते टाइम वेरिएंस में स्क्वायर फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा ये नॉर्मल नंबर्स जैसे मल्टीप्लाई होते वैसे ही होगा तो ये चीज ध्यान रखना डिवाइड करते टाइम भी सेम रूल जैसे मल्टीप्लाई वाला रूल है वही होगा तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए तो ये पार्ट इसी में इसके आंसर आप तुरंत एक झटके में दे सकते हो अभी देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ सम्स ले रहा हूं देखो यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नॉर्मल दिखे पर देखो 2023 का क्वेश्चन है मैं हमेशा अगर आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मतलब आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो दोस्तों अब अगर आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो वेरियंस ऑफ ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन इज फाइन मतलब अपने को वेरिएंस कितना दिया है दोस्तों फाइव दिया है मतलब अपने को सिग्मा स्क्वायर कितना दिया है दोस्तों फाइव अब यहां पे क्या बोला इफ ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बोला है दोस्तों मल्टीप्लाई मतलब यहां पे होगा मल्टीप्लाई बाय टू मैंने क्या बोला था कि वेरिएंस में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नया वेरियंस मिलेगा द वेरियंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन मतलब जो नया वेरियंस है तो ये जो फाइव है उसमें मल्टीप्लाई टू नहीं करूंगा टू का स्क्वायर करूंगा फोर तो कितना तो तो आप, आप सभी चीजें बता दे रहे हो तो ये जो इसके ऊपर हमेशा मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना आप अगर मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो तुरंत आप वहां पे तुरंत डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे अब देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन है देखो ये ये टू थ्रू टू का क्वेश्चन है तो इसलिए हमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देख के जाते हैं रिसेंट ईयर के तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे द दैरियंस एंड मीन ऑफ फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन देखो वेरियंस हमें कितना दिया है दोस्तों देखो वेरियंस ऑफ फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन आर सिक्स मतलब हमें वेरियंस मतलब सिग्मा स्क्वायर हमें कितना दिया है सिक्स और हमें यहाँ पे मीन दिया है मीन मतलब एक्स वन हमें कितना दिया है दोस्तों टेन दिया है

तो आपका जो नया वाला मीन है ना दोस्तों प्लस होके कितना हो जाएगा एटीन तो सिक्स और एटीन यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मजा आ रहा है कि नहीं भाई इसी पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो अब देखो दोस्तों यहां पे देखो ये भी 2023 का क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन है और इतना शानदार क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल ट्रिक से सॉल्व हो जाता है इफ द स्टैंड ऑफ फर्स्ट एंड नैचुरल नंबर इज टू मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अब देखो स्टैंडर्ड एविशन का हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पता है कि अगर हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड एविशन लाना है तो ये मैंने आपको सिंपल ट्रिक दिया है अगर आप ध्यान से जाके देखोगे मैंटो स्ट्रिक में दिया है तो उन्होंने डायरेक्ट स्टैंडर्ड एविशन का एंसर ही दे दिया हमें टू और हमें क्या बोला है हमें वैल्यू ऑफ एन निकालना है तो भाई अब इससे अच्छा क्या हो सकता है देखो ये रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर करना होगा तो ये फोर हो जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे एन 12. स्क्वा 12 यहाँ पे N 1. यहाँ पे 48 1, यहाँ पे N तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ फोर्टी नाइन यहाँ पे एन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सेवन डायरेक्ट सेवन आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाए जल्दी से अब देखो दोस्तों यहाँ पे हाँ देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके किया जाता है पर इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे डायरेक्ट भी इसका आंसर ला सकते थे देखो क्या बोला है द दैरियंस ऑफ फर्स्ट टू एंड ने फर्स्ट टू एन है तो फर्स्ट एन वाला तो आपको फॉर्मूला याद है ना दोस्तों और वेरियंस आता तो मैंने बोला रूट मत लो तो देखो यहाँ पे ये यह आपको पता है बिना रूट का वेरियंट से तो आपको एन पता है पर अब फर्स्ट टू एन बोला है तो आप यहाँ पे एन के बदले टू एन रखोगे तो एन, टू एन का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों अगर एन के बदले हम टू एन रखेंगे टू का स्क्वायर फोर एन स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट ट्वेल्व तो ये आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करू यस ये अब यहाँ पे अगर मुझे फॉर्मुले याद है देखो एक 2022 का क्वेश्चन है अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूले याद है तो मैं आसानी से यह क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ फॉर द गिवन डेटा एन इक्वल टू सिक्सटी टू एटीन थाउजेंड समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू नाइन सिक्सटी देन द वेरियंस ऑफ डेटा इज अब देखो यहाँ पे एन विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों है uh, हमें क्या करना है वेरियंस निकालना है ना मतलब सिग्मा स्क्वायर निकालना है फॉर्मूला याद है यार समीशन ऑफ यहाँ पे एफ के फॉर्म में है नहीं है एफ के फॉर्म में नहीं है तो ऑफ़ अपॉन यहाँ पे एन आएगा माइनस यहाँ पे बार अब दोस्तों दोस्तों X N, X कितना है? दोस्तों नाइन सिक्सटी है डिवाइड बाई कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा तो इसको अगर इससे डिवाइड करूँ फिर अगर मैं सिक्स से डिवाइड करूँ तो सिक्स से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों देखो यहाँ पे इसका हाफ थ्री कर दे रहा हूँ इसका हाफ अगर मैं करने जाऊँ तो फोर्टी एट अब अगर मैं थ्री से करूँगा तो शायद मुझे लग रहा है सिक्सटीन आंसर आएगा तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो हमें सिक्सटीन का स्क्वायर मिल गया अब देखो समीशन ऑफ स्क्वायर अपने पास डायरेक्ट है एटीन थाउजेंड और ये है एन कितना है दोस्तों है ये जीरो जीरो सिक्स थ्री सा तो फाइनली दोस्तों ये थ्री हंड्रेड ये टू फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों फोर्टी फोर देखो कैलकुलेशन वाला भी पार्ट हमने सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना आया दोस्तों अपना फोर्टी फोर ऑप्शन नंबर ए अब दोस्तों ये हो गया देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ द वेरियस ऑफ पॉस टेन मल्टीपल ऑफ थ्री अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है और NCRT के बुक से सीधा सिंपल सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया है ऑफ़ फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ थ्री अब देखो स्टार्टिंग के टेन मल्टीपल ऑफ थ्री क्या आता है थ्री का टेबल लिखो थ्री थ्री टू जा सिक्स ट्वेल्वीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी स्टार्टिंग के हमने लिख दिया मल्टीपल ऑफ थ्री अब अगर आप ध्यान से देखोगे यार अगर मैं प्रोसीजर वाइज जाऊं तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा इसका मुझे मीन निकालना पड़ेगा फिर वो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर ये पूरे का एक्स स्क्वायर का समीशन निकालना पड़ेगा फिर एन से डिवाइड करना पड़ेगा बहुत टाइम जाएगा पर मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है यार देखो ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये सेवन है ये एट है ये नाइन है और ये टेन है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये थ्री से मल्टीप्लाई होके देखो थ्री वन सा थ्री हो जाएगा ये थ्री टू ये थ्री से मल्टीप्लाई अगर मैं टू को करूँगा वन को देखो ये थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर मतलब पूरे को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा तो अगर मैं इसका वेरियंस निकालूंगा तो वेरियंस अगर मुझे इसका पता चल गया तो ये मल्टीप्लाई थ्री है तो मैं वो लॉजिक अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास जो मेरा मेंटो स्ट्राइक है तो दोस्तों देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगर मुझे इसका निकालना है तो देखो अपने पास एक और ट्रिक है अगर मुझे इसका वेरियंस निकालना है तो देखो अपने पास फॉर्मूला है एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व आप बोलोगे रूट क्यों नहीं लिया क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड डिविशन नहीं निकालना है वेरियंस निकालना है तो दोस्तों देखो एन मतलब कितने नंबर्स है टेन है और डिवाइड बाई टू तो क्या आएगा दोस्तों हंड्रेड बाई टू तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों नाइन्टी नाइन बाय ट्वेल्व अब अगर मैं डिवाइड करूँ नाइन्टी नाइन ट्वेल्व को अगर मैं डिवाइड करूँ ये देखो यहाँ पे ट्वेल्व नाइनटी नाइन ट्वेल्व एट ज़ा नाइन्टी सिक्स अगर आपको टेबल नहीं आता तो बाजू में लिख लेना अगर यहाँ पे हम देखें तो थ्री आएगा यहाँ पे हम जीरो लेंगे तो यहाँ पॉइंट देंगे ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर और यहाँ पे सिक्स ट्वेल्व फाइव ज़ा सिक्सटी तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एट पॉइंट टू फाइव एट पॉइंट टू फाइव यहाँ पे परफेक्ट हमें आंसर मिल गया एट पॉइंट टू फाइव मतलब ये पूरे का हमें मिल गया एट पॉइंट टू फाइव मतलब हमें ये वाले का वेरिएंस डायरेक्ट मिल गया दोस्तों 8.25 कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना पड़ा और मुझे पता है कि ये मल्टीपल ऑफ थ्री है तो मल्टीपल ऑफ थ्री रहता है तो हम क्या करते हैं थ्री का स्क्वायर लेते हैं वेरिएंस में मल्टीप्लाई में याद करो अगर यही एडिशन होता तो हम सेम रखते मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे दोस्तों नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब एट को आप नाइन से मल्टीप्लाई करो नाइन फाइव फोर्टी फाइव फाइव कैरी फोर टू पूरे आंसर्स निकाल लिए अब ये क्वेश्चन की ओर अब देखो ये टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारे लोग का दिमाग आउट हो गया होगा कि यार ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा फॉर्मूला तो एक ही याद है मैंने बोला कि जो फॉर्मूला आपको याद है वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो आपको क्या निकालना है दोस्तों स्टैंडर्ड एविशन निकालना है स्टैंडर्ड एविशन मतलब सीग्मा अंडर रूट लेना होगा स्टैंडर्ड एविशन में समीशन ऑफ हम क्या लेते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर लेते हैं पर अब एक्स के बदले एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू है तो यहाँ पे आप एक्स माइनस टू ले लो एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एन और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स बार का स्क्वायर अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे अगर आप वैल्यूज निकालने की कोशिश करोगे तो देखो अगर मैं एक्स बार पहले से निकाल दूं तो देखो समीशन ऑफ यहाँ पे एक्स माइनस टू जैसे आप लेते थे समीशन ऑफ एक्स वैसे समीशन ऑफ एक्स माइनस टू के फॉर्म में है वो लेंगे डिवाइड बाय एन तो एक्स माइनस टू कितना है ट्वेंटी है डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो स्टार्टिंग में बोला ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे वन आया तो देखो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वन का स्क्वायर ये दोस्तों क्या आएगा समीशन ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हंड्रेड दिया है डिवाइड बाय एन एन कितना है दोस्तों ट्वेंटी है तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा फाइव और माइनस वन तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा फोर और फाइनली आंसर टू देन ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ये भी आपका दोस्तों सॉल्व हो गया अब ये होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करते हैं हम सॉल्व करने के लिए देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और जरूर ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स बाय द 20 स्टूडेंट इफ फॉर सम पॉजिटिव एक्स बिलोंग्स टू आर द द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द द मार्क्स बाय 20 स्टूडेंट इन अ सर्टेन टेस्ट आर एस फॉलो अब यहाँ पे मार्क्स समथिंग यहाँ पे दिया है और समथिंग यहाँ पे दिया है देन द मीन ऑफ द मार्क्स इज अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सबसे पहले हमें यह पता है यहाँ पे कुछ दिया है दोस्तों कितने स्टूडेंट है स्टूडेंट uh, मतलब, का ट्वेंटी का है तो यहां से अपने को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा मतलब यहाँ पे एक्स प्लस वन का दिखाई दे रहा है आपको एक्स थोड़ा सा नीचे लिखता हूं एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन का होल प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों टू तो एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू ट्वेंटी क्योंकि ये पूरे का ये ट्वेंटी फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय ट्वेंटी स्टूडेंट तो मतलब अब यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू ए बी एक्स इंटू वन एक्स होगा तो टू ए बी प्लस बी स्क्र ये टू एक्स एसी होगा माइनस फाइव ए सी होगा एक्स माइनस थ्री एक्स है प्लस एक्स है ट्वेंटी अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्स टू एक्स और टू एक्स फोर एक्स फोर एक्स और वन फाइव एक्स फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स तो ये भी हो गया और प्लस वन में से माइनस फाइव गया तो माइनस फोर इक्वल टू ट्वेंटी अब ये टू एक्स स्क्वायेर प्लस टू एक्स माइनस फोर माइनस ट्वेंटी विच इज एक देन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो अब मैं क्या करूंगा पूरे इक्वेशन को एक्स टू से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्या होगा एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ट्वेल्व अब टू से डिवाइड करने के बाद अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल सकता हूँ यहाँ पे देखो एक्स यहाँ पे भी एक्स पहला साइन प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व और ट्वेल्व के आगे क्या है माइनस उसी नंबर का माइनस करके बीच का नंबर क्या है वन वन आना चाहिए तो दोस्तों क्या आएगा फोर थ्री जा फोर थ्री जा ट्वेल्व फोर माइनस थ्री करेंगे तो वन आता है अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो एक्स प्लस फोर विच इज इक्वल टू देन इज इज इक्वल इक्वल टू टू यस मुझे आप बताओ कि भाई दोनों में से परफेक्ट आंसर कौन सा है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव के बारे में बोला गया सम पॉजिटिव एक्स तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि अपना और स्टूडेंट नेगेटिव तो होंगे नहीं तो यहाँ पे ये अपना आंसर नहीं है अपना आंसर ये अब दोस्तों एक्स तो हमें मिल गया एक्स हमें परफेक्ट मिल गया अब मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले ले रहा हूं हाँ। इतना भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं अब दोस्तों देखो ये मैं लिख रहा हूं ये एक्स है टू है थ्री है और फाइव है टू है थ्री है फाइव है और सेवन है ये मेरा एफ है यहाँ पे देखो अगर मैं थ्री रखूंगा थ्री प्लस वन फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन यहाँ पे सिक्सटीन आएगा यहाँ पे अगर मैं थ्री लिखू थ्री टू जा सिक्स सिक्स माइनस फाइव वन यहां पे अगर मैं थ्री रखू थ्री का स्क्वायर नाइन और यहाँ पे थ्री तो ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं थ्री रखूँ अब दोस्तों देखो मैं प्रोसीजर वाइज जाऊँगा इसे डायरेक्ट मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स एफ एक्स या तो एक्सेप्स लिखो यहाँ पे थर्टी टू यहाँ पे थ्री यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे ट्वेंटी वन अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों हमें क्या निकालना है मीन बस निकालना है दोस्तों तो मीन निकालना तो बहुत सिंपल सा टास्क है यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे क्या दोस्तों एन आएगा या तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो तो यहाँ पे अगर आप ये पूरे को प्लस करते हो तो देखो टू और थ्री फाइव और वन सिक्स और टू और थ्री फाइ फिफ्टी सिक्स और ये पूरे को प्लस करते हो तो ट्वेंटी और वैसे तो हमें पता ही है ट्वेंटी अब अगर आप इसका हाफ करते हो तो ये ट्वेंटी एट इसका हाफ टेन और ट्वेंटी एट डिवाइड बाई टेन तो डायरेक्ट पता चलता है टू पॉइंट एट क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा टू पॉइंट एट डी ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट अब दोस्तों देखो अगर आप एक चीज मेरे लेक्चर में ऑब्जर्व करते होंगे मैं बिना मतलब का आपको कोई टाइम पास नहीं कराता हूँ देखो आधे घंटे का लेक्चर है पूरा का पूरा आधे घंटे मैंने पढ़ाया है ऐसा नहीं बिना मतलब का कोई टाइम पास नहीं है बस आप आओ पढ़ो और जाके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो बस काम हो गया कोई आपको पेड क्वेश्चन कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है मजेदार तरीके से आपका सब कुछ यहाँ पे हो रहा है अब देखो द फॉर फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग दिया है मतलब अपने को और एकस पता है हमको वेरियंस निकालना है फॉर्मूला आपको पता है यार फॉर्मूला आपको पता है देखो एक्स और एफ जब रहेगा तो उस टाइम पे हमारा वेरियंस का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों ऑफ स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन माइनस या तो आप यहाँ पे एन मतलब समीशन ऑफ एफ भी ले सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर एक्स बार कैसे निकालेंगे दोस्तों समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ भाई ये पहले आप निकालो फिर ये निकालो और तुरंत आंसर आ जाएगा आपको ये एक सम मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं उम्मीद कर रहा हूँ पूरा पूरा आपको बहुत ही बेस्ट लगा होगा मैंने मेरे साइड से बहुत ही अच्छा कोशिश किया और बहुत ही अच्छे से आपको पूरा का पूरा लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से रेगुलर स्टडी कर रहे हैं अभी तक मैंने कौन कौन से लेसन्स कवर करा दिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ देखो मैंने इलेवेंथ का स्ट्रेट लाइन कवर करा दिया देन अगर मैं आ, आ, अगर मैं ट्वेल्थ की बात करूँ तो मैंने मैथमेटिकल लॉजिक कवर करा दिया डिफ्रेंशिएशन कवर करा दिया देखो मैं मैक्स और मैक्स टू दोनों में ही लेता हूँ और अगर आप जाके मेरे इंजीनियरिंग के चैनल को देखोगे तो वहाँ पर मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं तो सब काम करने के साथ मैं ये काम भी आपको करके दे रहा हूँ और अगर आप देखोगे तो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कवर करा दिया है अगर आप देखोगे तो मैंने मेट्राइसिस भी कवर करा दिया है तो मैंने अगर आप देखोगे तो मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर करा दिया है तो बहुत प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं कल कवर करा दूंगा तो इतने अच्छे तरीके से मैं सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ऑलरेडी सभी नए लेक्चर्स बना रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर्स तो सब मेरे अवेलेबल है ही हैं तो याद से वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय टेक केयर जय हिंद दोस्तों